जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूख न लगना की बहुत ही आम और कॉमन समस्या के बारे में। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है? होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप में कोई खास लक्षण है तो कैसे मदद कर सकती है आपको भूख न लगने के साथ आपकी इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में? और अगर आप जनरलाइज्ड भूख न लगने का कोई फॉर्मूला जानना चाहते हैं जिससे कि आपकी भूख न लगने की समस्या खत्म हो सकती है, तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलेंगे, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भूख न लगना की जो समस्या है दोस्तों, सीधे हमारे पाचन तंत्र, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। अगर कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई गड़बड़ी आ रही है, तो भूख न लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। होता क्या है, जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं, जो हमारा डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारी लार खाने में मिल जाती है और उसको पचाने का काम यहीं से शुरू कर देती है। फिर धीरे धीरे जाके हमारा स्टमक में जाता है और वहां पे जो पाचन की प्रक्रिया है वो और तेज हो जाती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, इसके बीच में अगर हम इसमें कोई डिस्टर्बेंस डालते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो क्या होता है कि हमारी जो पाचन तंत्र वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं? या तो हम जल्दबाजी में खा रहे हैं, या हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हमको किसी न किसी चीज का बहुत ज्यादा तनाव है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। साथ ही साथ अगर हमने बहुत ज्यादा बाहर का उल्टा सीधा, जिसको हम बोल सकते हैं मसालेदार या गरिष्ठ भोजन खाया, तो भी पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है और हमको भूख न लगने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेटर ऑन क्या होता है, अगर इसी तरह का हमारा शेड्यूल अनशेड्यूल है, पूरा हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री और अनशेड्यूल चलता जा रहा है, तो धीरे धीरे जो होता है हमारा लीवर वीक हो जाता है और भूख लगने न लगने की समस्या परमानेंट हो जाती है। फिर चाहे आप हल्का खाना ले रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो भी उसके बावजूद आपको भूख नहीं लगती। लेकिन स्टार्टिंग फेज में अगर आप मेडिसिन लेते हैं और अपना जो शेड्यूल है वो अच्छा कर लेते हैं, तो आपकी जो भूख ना लगने की समस्या है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। भूख ना लगने के साथ दोस्तों कुछ और लक्षण भी कई बार दिखाई देते हैं, जैसे खाना हजम नहीं हो रहा है अच्छे से, डकारें आ रही है, ऊपर से इरेक्टेशन आ रही है, नीचे से गैस पास हो रही है, कभी दस्त हो रहे हैं, कभी कब्ज हो रहे हैं, इस तरह के लक्षण भी होते हैं। और कई बार कोई लक्षण नहीं होता, सीधे भूख नहीं लगती है। तो जो सबसे पहली मेडिसिन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, मैं अधिकतर पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, उस मेडिसिन का नाम है लेसिथिनम 3x। इसकी एक एक टेबलेट आपको दिन में 3 बार लेनी है अगर आपको भूख न लगने की समस्या है। ये न केवल भूख न लगने की समस्या को खत्म करती है, अगर आपको और कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं और कोई परेशानी नहीं है, इसके अलावा अगर आप में खून की भी कमी, क्योंकि भूख नहीं लगेगी तो डायरेक्टली रिलेट करता है वो, आप खाना कम खाएंगे, सब्जियां आपकी कम खाने में आएगी, फल फ्रूट ज्यादा नहीं खा पाएंगे आप, तो उस कंडीशन में न केवल खून की कमी को पूरा करेगी बल्कि आपकी भूख न लगने की जो समस्या है उसको भी पूरी तरह से ठीक कर देगी। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहे। मैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहती हूँ। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, आपके जो कमेंट्स है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मैं और कैसे इम्प्रूव करूँ और मुझे किस और टॉपिक पे वीडियो बनाना है। शानदार मेडिसिन है दोस्तों, वो है नक्सोमिका 30। अगर आपका लाइफ स्टाइल बहुत अनशेड्यूल्ड है, सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना, इस तरह की आपकी दिनचर्या है, बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ये मेडिसिन ऐसे ही बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन स्पेशली जब आपने मसालेदार और गरिष्ठ भोजन किया है, कहीं भी आप बाहर अगर शादी पार्टी में जाते हैं, बहुत हैवी आपने फूड खा लिया है, स्पाइस भी स्पेशली, और उसके बाद आपकी भूख गायब हो गई है, तो इसकी 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार लीजिए। आपकी न केवल आपकी भूख वापस आ जाएगी, इसके अलावा आपके पाचन तंत्र में जो भी गड़बड़ी हुई है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों पल्साटीला 30। ये मेडिसिन आपको उस कंडीशन में लेनी है जब आपकी भूख इस वजह से गायब हुई है क्योंकि आपने फैटी हैवी फूड खा लिया। नक्सोमिका और पल्साटीला में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, अगर आप बहुत ज्यादा मसालेदार खाते हैं उसके बाद आपकी भूख जा रही है तो नक्सोमिका लेनी है। कोई भी पेट का आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आपको नक्सोमिका लेनी है। पल्साटीला उस कंडीशन में लेनी है जब आपको चिकना या ऑयली फूड आपने खाया, फैटी फूड आपने खाया, उसके बाद आपकी भूख डिस्टर्ब हो रही है या पेट डिस्टर्ब हो रहा है। 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार लीजिए पल्साटीला 30 की। फैटी फूड के वजह से आपकी अगर भूख डिस्टर्ब हुई तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आर्सेनिक एल्बम 30 आप उस कंडीशन में ले सकते हैं दोस्तों, भूख नहीं लग रही है,
उसके बाद किसके बाद बासी भोजन आपने खा लिया है, दूषित पानी पी लिया है, कोई भी मतलब ऐसा चीज आपके खाने में आ गई है जो दूषित है, कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग के आपको सिम्टम्स आए थे, उसके बाद आपके भूख चली गई है, आप बीमार हो गए थे फूड पॉइजनिंग के कारण, या आपको उल्टी दस्त हुए थे उसके बाद आपकी भूख गायब हो गई, न केवल यह उससे आई हुई वीकनेस को दूर करेगी मेडिसिन, आपकी भूख को भी वापस ला देगी। लेना कैसे है, सेम दो दो बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है। दोस्तों एक तरह की स्थिति आती है इस तरह की कि कभी कभी क्या होता है कि हमें भूख नहीं लग रही है और जैसे ही खाना खाने बैठते हैं फिर भूख वापस आ जाती है, लेकिन अगर खाना शुरू नहीं किया तो भूख लगेगी नहीं, खाना ही नहीं है, इस तरह के अगर सिम्टम्स है तो आप चाइना ठट्टी की दो दो बूंद करके दिन में 3 बार ले लीजिए, भूख लगना आपको डायरेक्ट शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप अच्छे से खा सकेंगे। एक स्थिति आती है ऐसी कि थोड़ा सा खा लिया और पेट भर गया, थोड़ा थोड़ा सा खाया पेट भर गया, मीठा खाना है गर्म खाना है थोड़ा सा खाना है और फुल सेटिस्फेक्शन आ गया उस समय, तो थोड़ी देर बाद वापस भूख लग गई और होता क्या है कि उसके बाद पेट खराब हो जाता है थोड़ा थोड़ा खाने के कारण और नीचे से गैस पास होने लग जाती है। इस तरह के अगर आप में दोस्तों सिम्टम है और आपको कब्ज भी रहती है तो लाइकोपोडियम ठटी की आप दो दो बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, ना केवल आपका पेट सही हो जाएगा, आपका जो भूख लगने का जो सिस्टम है वो भी पूरा दुरुस्त हो जाएगा, आप ठीक से खा सकेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जो खाने की आपकी हैबिट है वो आप पूरा खा सकेंगे। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे लीवर इफेक्ट हो गया है, लाइकोपोडियम अधिकतर उन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे कहीं ना कहीं लीवर इफेक्ट रहता है या लीवर इफेक्शन रहता है या पास्ट में आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम रही होती है। एक और स्थिति आती है दोस्तों कि भूख नहीं लग रही है और पूरे दिन ऊपर से डकार आ रही है आपको और थकावट सी बनी हुई है, सांस फूलती है, कार्बोवेज की दो दो बूंद करके आप दिन में 3 बार लीजिए, न केवल आपकी डकारें आने बंद हो जाएगी, भूख लगना भी आपको अच्छी स्टार्ट हो जाएगी और खुलकर भूख लगेगी। एक और स्थिति आती है दोस्तों, पहले आप बिल्कुल दुरुस्त थे, भूख पूरी लगती थी, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ, कोई बड़ी बीमारी आपको हुई, चाहे वो कोविड ही हो, चाहे जॉन्डिस हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे चिकनगुनिया, किसी भी तरह की आपको बीमारी हुई हो, उसके बाद आपकी भूख लगनी बंद हो गई, ऐसी कंडीशन में आपको एक मेडिसिन लेनी है दोस्तों जिसका नाम है जेंशियाना लूटिया। इस मेडिसिन की दोस्तों आपको 5 बूंद आधा कप पानी में लेनी है, न केवल आपकी भूख वापस आ जाएगी, अगर पिछली बीमारी के कारण आपको कोई थकावट या कमजोरी महसूस हो रही है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों भूख ना लगने के लिए होम्योपैथी में सबसे अच्छी जो दवा है जो आप विदाउट सिम्टम सिमिलरिटी के किसी को भी दे सकते हैं या ले सकते हैं, उसका नाम है अल्फा अल्फा टॉनिक। अल्फा अल्फा टॉनिक आप खाना खाने से 15 मिनट पहले आधा ढक्कन बच्चों को दें और बड़े हैं तो पूरा ढक्कन यानी कि 5 ml के करीब आप उसको ले सकते हैं दिन में 2 बार। आप चाहें तो उसको आधा कप पानी में भी ले सकते हैं, सुबह खाना खाने से पहले और शाम को खाना खाने से पहले इसको ले सकते हैं, जिससे कि आपकी भूख पूरी तरह से बढ़ जाएगी। अगर आप इसी तरह का होम्योपैथिक फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, आपको ऊपर बताई हुई मेडिसिन का कोई सिम्टम समझ में नहीं आ रहा है, आप जनरलाइज्ड सिर्फ भूख बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो आप दोस्तों सिर्फ 2 मेडिसिन लीजिए। एक मेडिसिन तो जो मैंने अभी आपको अल्फा अल्फा टॉनिक बताई है वो, दूसरी मेडिसिन मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताई थी लेसिथिनम 3x, वो मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, इन दोनों को आप साथ में ले सकते हैं। लेसिथिनम 3x की एक एक टेबलेट आप दिन में 3 बार लीजिए और अल्फा अल्फा टॉनिक खाना खाने से पहले दोनों टाइम आधा ढक्कन बच्चों को और बड़ों को एक ढक्कन दे, आधा कप पानी में भी दे सकते हैं और डायरेक्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप खाना खाते हैं तो आपको भूख खुलकर रखेगी लगेगी, आपका जो डाइजेशन है वो भी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आपको लगता है किसी और के काम आ सकता है तो। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।